नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज, आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट। द्वाराहाट से लेकर गैरसैंण तक युवाओं ने जन आक्रोश रैली निकाली। यूके ट्रिपल एससी भर्ती घोटाले का मुद्दा तूल पकड़े हुए है युवाओं में। इन घोटालों को लेकर खासकर के आक्रोश इसी कड़ी में ब्लॉक प्रमुख दीपक किरोला के नेतृत्व में जन आक्रोश रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि यूके ट्रिपल एससी भर्ती घोटाला और विधानसभा में पिछले दरवाजे से अपने नातेदारों भाई भतीजों को नौकरियां देकर उत्तराखंड के युवाओं के साथ कुठाराघात किया गया है। इसे उत्तराखंड के युवा कभी माफ नहीं करेंगे। आज हम सभी युवाओं को लेकर गैरसैंण कूच कर रही हैं। इस जन आक्रोश रैली में किसी भी राजनीतिक दल के लोग नहीं है, बल्कि सभी बेरोजगार युवा शामिल है। इस भर्ती घोटाले में जो भी शामिल है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसे दंडित किया जाना चाहिए। आज हमारी पार्टी जो हमारे जो लोग हैं बिना पार्टी के युवा साथियों के साथ यूके ट्रिपल एससी घोटाला निकल के सामने आ रहा है। आज ये आवाज़ हमारी द्वाराहाट से है। आज पूरे उत्तराखंड की आवाज़ हम उठाना चाह रहे हैं। ये भर्ती घोटालों की जांच हो और जो जो सफेद पोष इसमें लिप्त हैं उनको मंत्रिमंडल से बाहर करें, और विधानसभा साथ ही साथ विधानसभा में भी जो घोटाले हुए हैं, बैकडोर एंट्री जो मंत्रियों के परिवार वालों या उनके जानने वालों लोगों की हुई है, उनको तुरंत बाहर करें। और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की। आज देखिए इतना भ्रष्टाचार सरकार का सामने निकल आ रहा है, तो किस बात की जीरो टॉलरेंस? आप बताइए, ये युवा हमारे ये जो युवा भाई लोग हैं आज ये जो जिनकी माता पिता ये मनरेगा में काम करते हैं, आज बड़े मुश्किल से पढ़ते हैं, लोन लेके देहरादून पढ़ने जाते हैं, बाहर पढ़ने जाते हैं, क्या आज इनके साथ सरकार इंसाफी कर रही है या ना इंसाफी कर रही है? तो ये थी हमारे संवाददाता बलवंत सिंह रावत की रिपोर्ट। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।